हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, PGI चंडीगढ़ का अभी आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ जो PGI चंडीगढ़ का जो आपने फॉर्म फिल किया था, PGI चंडीगढ़ जो कि संगरूर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग ये छोटा सा नोटिस है। तो आप सब लोगों ने पहले देख लिया होगा, और नहीं देखा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो नोटिस है वो आपका 24 फेब को आया था, और जो नोटिफिकेशन के नंबर ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपका जो अपने जो फॉर्म भरा था संगरूर पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर संगरूर सेंटर के लिए, ये संगरूर सेंटर है और सेटेलाइट सेंटर है, उसके लिए फॉर्म भरा था जो कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का था, और 22/10 को वो रिलीज हुआ था डॉक्यूमेंट, वो जो आपका वैकेंसी आई थी। तो उसके उसके ऊपर है, आप चेक कर लें आपका कन्फ्यूजन हो तो। ये PGI चंडीगढ़ का है और उसमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। तो उसके लिए जो आपकी एग्जाम डेट है, ऑनलाइन कंप्यूटर यानी CBD बेस्ड एग्जाम होने वाला है, जो आपका 30 मार्च को होगा। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को 18 मार्च देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों को 22 मार्च देखने को मिल रहा है, तो अलग अलग लोग देखने को मिल रहा है, तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आपको बता दें, ये आपका PGI का नोटिफिकेशन है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने अलग से दे रखा है, जिसमें 30 मार्च उन्होंने आपकी एग्जाम की डेट बताई है जो कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, और शिफ्ट भी उन्होंने दे रखी है, आफ्टरनून शिफ्ट में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कोई और नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं आया है, ना है कोई चेंज किया है। तो अभी तक उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 मार्च को आपका संगरूर PGI चंडीगढ़ का एग्जाम होना है, जो कि आपकी आफ्टरनून शिफ्ट में होना है, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगा। अच्छी बात है, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने की जरूरत, नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को लगता है कि मेरा पेपर इजी था, किसी को लगता है हार्ड था, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक इनके अकॉर्डिंग एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। द इशू हैज मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट टू अलोकेट टेस्ट सेंटर इन द सिटी प्रिफर्ड बाई कैंडिडेट। आपने जहां तक प्रीफर किए वहां तक उन्होंने कोशिश करी है आपको सिटी देने की। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लॉजिस्टिक रीजन इंक्लूडिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ नोट्स इन एग्जामिनेशन सेंटर और कैंडिडेट इन दैट सिटीज ETC कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन नियर बाई स्टेट और सिटीज। आपने जो सिटी सेलेक्ट करी है वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई कारण से वो आपको सिटी नहीं मिलती है, कहाँ क्योंकि लोग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर सबको सीट नहीं मिलेगी, तो आसपास में आपको सेंटर दे दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आगे बात करें नोटिफिकेशन में, द एग्जैक्ट डिटेल रिगार्डिंग रोल नंबर, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग एग्जामिनेशन टाइम फॉर एंट्री, टेस्ट सेंटर एंड अदर टर्म कंडीशन टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द सेड एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे जो चीजें लिखी होगी उसको आपको फॉलो करना है। एडमिट कार्ड की डेट भी इन्होंने दे रखी है, 20 तारीख से आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, 20 मार्च से आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है PGI हमारे एजुकेशन। जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब आपका एग्जाम होना है। फॉर विच ID एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल फॉर यू ऑफ द कैंडिडेट। आपके पास में ID और पासवर्ड है तो वहां से आप लॉग इन करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जो कि आपका 20 मार्च से डाउनलोड होंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट आर टू मेक दियर ट्रेवल अरेंजमेंट इन एडवांस अकॉर्डिंगली। आपको अपना पहले से ही अपना एडवांस में ट्रेवल एजेंट कर लेना है, यानी आपको टिकट वगैरह बुक कर लेनी है पहले से ही। आप चेंज की होप में मत रहिए, आपकी चेंज नहीं होने वाला है। द कैंडिडेट आर ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द रिजल्ट ऑफ सेड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड विल बी डिक्लेयर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, इन्होंने दे रखा है आपका रिजल्ट भी है, एग्जाम होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी आपकी एग्जाम डेट जो कि 30 मार्च है, तो 15 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। जी हाँ, इन्होंने डेट भी दे दी है रिजल्ट की, 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। द डेट ऑफ ऑन ओनली द कैंडिडेट हु विल बी फाउंड एलिजिबल विल बी फाइनली कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेरिट बेसिस। जो
फाइनल जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ये एलिजिबल लिस्ट निकाल के उनको इन्फॉर्म करेंगे। फॉर एनी फर्दर क्वायरी कैंडिडेट में विजिट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ रिक्रूटमेंट सेल PGIMR सेक्टर 12 चंडीगढ़ बिटवीन 2 to 4 PM ऑन एनी वर्किंग डेज और टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट। ये इन्होंने, अगर किसी को कोई इश्यू हो तो वो जाके पर्सनली मिल सकते हैं रिक्रूटमेंट सेल से। अगर आप फोन से भी बात कर सकते हैं, अगर आप दूर हैं तो आप फोन से भी बात कर सकते हैं। नीचे इन्होंने नोट भी दिया है जो कि कंप्लीट शो नहीं आ रहा, द एडमिट कार्ड विल नॉट गोट डाउनलोड ऑन मोबाइल फोन। इन्होंने दिया है कि आपका एडमिट कार्ड मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा जुगाड़ से। चलो ठीक है, ये आपकी PGI संगरूर चंडीगढ़ की आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी उसके लिए ये नोटिस था, इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, कहीं पे भी आपको यहाँ पर रियल एकदम फैक्ट न्यूज मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूले।